इस टॉपिक के अंदर जैसा कि हमने प्रीवियस दो टॉपिक्स अपने प्रोजेक्ट के ऊपर स्टार्ट में देखी हैं, कुछ प्रेजेंटेशंस देखी हैं जिसके अंदर एक्चुअली हम अपना बेस लाइन सेट कर रहे हैं ताकि जो टर्म्स यूज़ होंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, जो डेफिनेशंस यूज़ होंगी, वो हमें एक बहुत क्लैरिटी के साथ ऑलरेडी आइडिया हो ताकि जब हम आगे वर्क करने जाएँ तो हमारा काम आसान हो। तो ये जो टॉपिक इस टाइम हम जिसके अब प्रेजेंटेशन को देखेंगे और हम करने जा रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं समझना। इसमें से हमने मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स सेलेक्ट की हैं, बाकी जो है सोर्स आपको गिवन है वहाँ पे जहाँ से ये टर्म ली गई हैं। आप नॉर्मली किसी भी बिल्डिंग बायलाज, किसी भी अथॉरिटी की अगर जब ओपन करेंगे, चाहे वो आपकी मुल्तान डिवेलपमेंट अथॉरिटी है, चाहे लाहौर डिवेलपमेंट अथॉरिटी है, चाहे रावलपिंडी डिवेलपमेंट अथॉरिटी है, तो उनके बायलाज के जो उनके बिल्डिंग बायलाज की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर एक डेफिनेशन का पोर्शन होता है जो कि नहायत इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि कुछ ऐसी टर्म उसके अंदर लाजमी लिखी हुई होती हैं जो कि आपको असिस्ट करेंगी वाइल प्लान मेकिंग, इवन सबमिशन ड्राइंग्स के वक्त। तो वो हम क्विकली कुछ टर्म्स को देखेंगे क्योंकि बहुत सारी टर्म्स मैंने स्किप की हैं वो खुद से, और आपके डाउनलोड सेक्शन के अंदर जो है हम मुल्तान डिवेलपमेंट अथॉरिटी, रावलपिंडी डिवेलपमेंट अथॉरिटी और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो तीन मेन अथॉरिटीज़ हमारी वर्क कर रही हैं पंजाब के अंदर, उनके बायलाज ओवरऑल हम रखवा भी देंगे। वो काफ़ी उसके अंदर डिटेल्ड चैप्टर वाइज होते हैं जिसमें कमर्शियल एरिया का अलहदा चैप्टर होगी, डिटेलिंग होगी, रेजिडेंशियल डिटेलिंग अलहदा होगी हमारी, पार्किंग रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके अंदर, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स, तो काफ़ी इन डेप्थ और डिटेल वो प्लान्स आपको जो है वो असिस्ट करेंगे। वो मैं आपके डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपने लाजमी उनको रेफ़र करना है, देखना है, और इन फ्यूचर आपने उनको साथ भी रखना है, क्योंकि जब कभी भी आप कोई प्लान बनाएंगे तो प्लान ऐसे नहीं बनता कि आप बिल्कुल तन्हाई में जाएं और बनाना स्टार्ट कर दें। लाजमी और जब भी कोई आपको प्लान देगा तो साथ वो रिक्वायरमेंट्स भी देता है या साथ वो आपको बायलाज देता है कि मैंने 5 मरले का घर बनाना है और ये वो ला है, कानून है जिसके तहत बनाना है। उस कानून के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं तो आपने उनको फॉलो करना होता है, क्योंकि वो कानून वो ला उसी अथॉरिटी का होता है जिसको आपने जाके जमा करवाना है कल को प्लान। अगर आपने उन चीज़ों को वहाँ फॉलो न किया और आपने वो अपना एक प्लान बना लिया, नक्शा घर का बना लिया, जब आप उसे जमा कराने अथॉरिटी को जाके देते हैं तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे स्क्रूटनी होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की, चेक किया जाता है कि आया जो आपने चीज़ें जमा करवाई हैं वो स्टैंडर्ड्स मीट कर भी रही हैं या नहीं कर रही। आने वाले टॉपिक्स में हम ये भी देखेंगे कि एक जो हम सबमिशन ड्राइंग जब करवाते हैं तो वो प्रोसेसिंग होती कैसे है, आपको ताकि पता होना चाहिए अथॉरिटीज़ के अंदर जब आप एक प्लान लेकर जाते हैं, आप अपने नक्शे लेकर जाते हैं, तो ऐसे नहीं होता कि आप जाएं और वो आपको कोई साइन कर दे, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड लगता है उसके अंदर। मुख्तलिफ़ जो है वो टेबल्स पे, वो पहले किसी एक टेबल पे, सर आप अक्सर दफ्तरों में जाते होंगे और आप वहाँ देखते होंगे कि आप एक फ़ाइल जब जमा करवाते हैं तो वो मुख्तलिफ़ टेबलों से होती हुई एक साइन, दो साइन, तीन साइन, काउंटर साइंस होते रहते हैं और आखिर में जाके आपको बताया जाता है कि अब आपकी फ़ाइल अप्रूव हो गई है। इसी तरह आप बिल्डिंग प्लान या नक्शा जो है ये भी सेम ऐसा ही होता है, आप जाके अथॉरिटी में जमा करवाते हैं तो वो अथॉरिटी वेरीफाई करती है, साइट वेरीफाई होती है, ओनरशिप कि क्या ये जो इस प्लान जहाँ जमा करवा रहे हैं घर उन्हीं की, ज़मीन उन्हीं की है या नहीं है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जब वेरीफाई आपकी हो जाती हैं और अगर कोई रिजर्वेशन हो तो वो उस वक्त लिख दी जाती हैं और साथ वो आपको वापस प्लान भी कर सकते हैं कि इसके अंदर ये मसाइल हैं, इशूज़ हैं, इनको आप एड्रेस करें, इनको आप ठीक करें, और एड्रेस करने के बाद आप दोबारा जमा करवाएँ। तो हम कुछ टर्म्स देखेंगे, साथ आपने आपको जो प्लान हम रखेंगे और रेफ़र किए हैं वो आपने लाजमी उनको स्टडी करना है, और इस जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर मज़ीद हम थोड़ी सी गाइडलाइंस भी देखेंगे कि एक फ़र्ज़ करें एक नक्श एक कोई बंदा ABC आपके पास XYZ पर्सन आता है, वो बताता है कि मेरा एक प्लॉट है और आपने उसका नक्शा बनाना है, तो नॉर्मल गाइडलाइंस क्या हो सकती हैं कि आपने ऑल्दो गाइडलाइंस मीन्स कि जो कोशिश करनी है इनको फॉलो करना है, इससे वेरिएट भी आप कर सकते हैं, नेचर ऑफ असाइनमेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज भी कर सकते हैं। तो जस्ट हम आपको थोड़े से रिकमेंड कर देंगे कि इन स्टेप्स को आप कोशिश करें फॉलो करने की, बट अगेन ये स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें नहीं हैं, आप इससे वेरिएट कर सकते हैं, आपकी नेचर ऑफ असाइनमेंट डिफरेंट हो सकती है, आप अपनी तरफ से अगर आप कुछ ईज़ आपको लग रही है कुछ डिफरेंट तरह से वर्क करने में तो आप वो कर सकते हैं। तो हम इसमें क्विकली स्टेप्स देखेंगे और फिर जो हमने डिज़ाइन कंसिड्रेशंस हमने थ्योरेटिकल आपको कुछ बताई थी कि फ़र्ज़ करें किचन के अंदर जो है हमने कोशिश करनी है कि विंडो देनी है लाजमी,
किचन के साथ बाथरूम अटैच नहीं करना, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको हमने एक प्लान के अंदर आपको दिखाएंगे आज शो करके कि कौन सा प्लान, हम मुख्तलिफ प्लान शो करूंगा मैं आपको और मैं दिखाऊंगा वहाँ पे कि कौन सा प्लान गलत है और वो क्यों गलत है और कौन सा प्लान ठीक है तो क्यों ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ जो हमारी आज की बनी हुई है। हम देखते हैं कि किस तरह ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हैं उनको कवर करते हैं और मज़ीद ये जो हम डिज़ाइन कंसिड्रेशन और स्टेप्स की या गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन में, देखते हैं इनको जाके फॉर्मली। हम तो ये हमारे पास जिस हम अभी पावर पॉइंट स्लाइड की बात कर रहे थे, प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ फ्लोर प्लान, हम इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड गाइडलाइंस फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ फ्लोर प्लान्स को चेक करते हैं। सो क्विकली ये हमारे पास सोर्स भी मौजूद है, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन 2007, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन हाउस प्लान। और ये मोर लेस इसके अंदर इस्तेमाल हाउस प्लान में भी होती रहती हैं, या हाउस प्लान से हट के आप जब ओवरऑल बिल्डिंग से डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आपको बाज़ औक़ात इस तरह की टर्म्स से जो है वो वास्ता पड़ जाता है। अब इसमें से कुछ ये जो बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें से कुछ टर्म्स कॉपी की हैं और बहुत सारी और मौजूद हैं जो कि आप जब ख़ुद जाके उनको देखेंगे, और ये आपकी मैं रिकमेंडेड है कि आप सारी डेफिनेशन देख लें। तो सबसे पहले अल्ट्रेशन है, अल्ट्रेशन हमेशा हम चेंज को कहते हैं कि कभी भी आपने अगर कोई स्ट्रक्चरल या लैंड यूज़ किसी भी तरह की चेंज करनी है अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग, तो ये आपके पास प्रोसेस क्या होगा, किस तरह आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं, रेगुलेशंस उसके बारे में क्या कैसे हैं। फिर हमारे पास अमलगमेशन है, बाज़ औक़ात हम जो है वो दो या दो से ज़्यादा प्लॉट्स को आपस में जोड़ कर मुख्तलिफ जगहों पर अलाउ होता है, अलाउ कर दिया जाता है, तो आप अपने प्लाट्स को सेम, अगर लैंड यूज़ उनका सेम होना चाहिए यानी दोनों रेजिडेंशल हैं, तो अगर आपके बिल्डिंग पर्पज़ के लिए बाज़ औक़ात इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो वहाँ आपको अलाउ कर दिया जाता है। फिर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है अपार्टमेंट्स, और अक्सर आप वेल अवेयर होंगे कराची वाली साइड पे अगर आप जाएं तो वहाँ अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट है, हाई राइज बिल्डिंग नज़र आती हैं। सो डिवेलिंग यूनिट क्या कहते हैं, हाउसिंग यूनिट लोकेटेड इन मल्टा स्टोरी बिल्डिंग मैन टू प्रोवाइड हैबिटेशन। और इसके बाद अपार्टमेंट बिल्डिंग है हमारी, एक तो सिंपल अपार्टमेंट है, इसके साथ अपार्टमेंट बिल्डिंग क्या है जिसके अंदर मल्टीपल आपके जो है वो अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। अक्सर बेशतर आप देखते हैं बड़ी बड़े शहरों के अंदर आप एक बिल्डिंग को जब देख रहे होते हैं तो बहुत सारे आपको कंजेक्टिवली वहाँ पे आप देखते हैं कि घर मौजूद हैं और वो हाइट में नज़र आ रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उनके जो सीढ़ियाँ होती हैं आप एक सीढ़ी से ऊपर जब जाते हैं तो वो सीढ़ी कई घरों को एक्सेस दे रही होती है। फ़र्ज़ करें आप ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचें और आपने सीढ़ी इस्तेमाल की, अब जैसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँचते हैं तो काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स के कमरे जो है वो दरवाजे नज़र आ रहे होते हैं आपको। तो आप किसी भी अपार्टमेंट ए बी सी के अंदर जाना चाह रहे हैं तो नॉर्मली ये अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर एक जो है वो क्लस्टर ऑफ अपार्टमेंट्स मौजूद होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो मींस आप मल्टा स्टोरी बिल्डिंग कंटेनिंग मोर देन टू अपार्टमेंट्स शेयरिंग अ कॉमन स्टेयरकेस, स्टेयरकेस भी लिफ्ट्स भी एक ही होती हैं, अक्सर हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं, या आजकल इवन के लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची बड़े शहरों के अंदर ये बहुत कॉमन है कॉन्सेप्ट। फिर है हमारी अप्रूव्ड स्कीम, वो स्कीम जो अप्रूव होगी किसी भी पर्पज़ के लिए अथॉरिटी से, अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी मींस कोई भी अथॉरिटी जो आपके प्लान को मंजूर कर रही है, वो छोटे जो हमारे शहर हैं वहाँ के केस में बाज़ दफ़ा म्यूनसिपल कमेटीज़ हो सकती हैं, जिस तरह केपीके है वहाँ पे टीएमएज़ हैं और तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हम कहते हैं उनको, लाहौर के केस में लाहौर डिवेलपमेंट अथॉरिटी है। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अथॉरिटी है जो आपके प्लान को अप्रूव करेगी उसको हम अथॉरिटी कहते हैं। फिर हमारे पास है बिल्डर, तो बिल्डर जो है कोई पर्सन हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी जो बिल्डिंग वर्क को जो है वो इंटेंड्स टू अंडरटेक, जो आपका बिल्डिंग वर्क आपसे ले लेता है। और फिर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है बिल्डिंग हाइट, तो मींस अ टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग मेजर्ड फ्रॉम द क्राउन ऑफ द रोड टू द टॉप ऑफ द पैरापेट वॉल एक्सक्लूडिंग द स्ट्रक्चर सच एज चिमनी स्टैक्स, लिफ्ट एंड वाटर टावर। तो ये हमारी बिल्डिंग हाइट की अक्सर हम बात करते हैं कि बिल्डिंग हाइट क्या है, तो क्राउन ऑफ रोड अगर आपकी बिल्डिंग कोई भी है तो रोड के आप किसी भी पॉइंट से, सेंटर से फॉर एग्जांपल अपनी बिल्डिंग की हाइट तक जहां तक आप जाना चाह रहे हैं, और नॉर्मली उसके ऊपर आप पैरापेट वॉल्स, अक्सर आप जब बिल्डिंग के टॉप में जाते हैं अगर आप अपना अपने घर को या किसी ऐसे घर आप गए हों तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टेड वॉल लगी होती है, उसका पर्पज़ ये होता है कि आप कहीं गिर ना जाएँ और वो एक काइंड ऑफ जो है वो आपको प्रोटेक्शन भी दे रही होती है। नॉर्मली हमारे जो बायलाज हैं वो अलाउ करते हैं कि 2 फीट 6 इंचज़ बायलाज के अंदर ये मौजूद है कि वो आप तकरीबन 2.5 फीट की वो वॉल खड़ी कर सकते हैं, तो एक अच्छा सा खासा उसकी हाइट बन जाती है। तो वो आपको नॉर्मली है अगर आप कोई बच्चा ऊपर खेलने गया या इनके आप खुद मौजूद हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रही होती है। तो ये जो बिल्डिंग हाइट हम मेजर करते हैं वो रोड से लेके
हमारी पैरापेट वाला, लेकिन उसके अंदर जब हम बाजूकात हमारे वाटर टैंक्स आजकल लगे होते हैं, ओवरहेड रिजर्वायर हम बात करते हैं, स्टोर किया होता है पानी, उसको हम हाइट के अंदर शामिल नहीं करते, वो हाइट उससे एक्सक्लूडेड होती है। इसके बाद हमारे पास बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, बिल्डिंग लाइन और प्रॉपर्टी लाइन, इसका जो है वो अक्सर जिक्र भी आता रहेगा, अभी आगे इसके ऊपर वर्क भी करते रहेंगे। सो प्रॉपर्टी लाइन का मतलब तो ये होता है कि आपका, आपने एक प्लॉट लिया से एक कनाल का, उस प्लॉट की जो बाउंड्री, कोई जो भी उसकी बाउंड्री बन गई, एक्स और वाई कंपोनेंट जो उसकी रोड के साथ है फ़र्ज़ करें, तो जो बाउंड्री है आपकी वो आपकी प्रॉपर्टी लाइन है। लेकिन आप डायरेक्ट, आपको अथॉरिटी अलाउ नहीं करेगी, आगे जाके अब हम डिटेल्ड देखेंगे भी सही, स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे कि हमारी अगर TMAs हैं या हमारी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है या रावलपिंडी के अंदर कोई अथॉरिटी मौजूद है, वो अथॉरिटी हमें इजाज़त नहीं देती कि आप पूरे जहाँ जितना आपका एरिया है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करें। तो हमें मैंडेटरी ओपन स्पेसेस छोड़नी पड़ती हैं, यानी हमें कुछ जगह छोड़नी पड़ती हैं, जैसा अभी हम देखेंगे आगे जाके 5 मरला का घर बनाएंगे। अगर आप यहाँ नोट करें तो ये मेरे पास जो है ये मेरी प्रॉपर्टी लाइन है, फ़र्ज़ करें ये इसका मतलब है ये मेरी ऑनरशिप है, ये फ़र्ज़ करें कि एक कनाल का प्लॉट है। अब मैं डायरेक्ट, या ये 5 मरले का प्लॉट है तो मैं अब सारी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, मुझे फ्रंट से भी कुछ जगह बायलाज जितना कहते हैं ये मैंडेटरी ये भी छोड़नी है, और मुझे बैक से भी छोड़नी है। अब इनके हम आगे जाके एडवांटेजेस भी देखेंगे कि ये ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी ऐसे ही कह रही है कि आप छोड़ें, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं, हम ये फ़ायदे भी आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। ये वेंटिलेशन के लिए अच्छा होता है, इस स्केल से आपकी प्रॉपर जो है वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हमें ये एडवांटेज देता है। तो ये जो बाउंड्री नज़र आ रही है ये हमारी है प्रॉपर्टी लाइन ये वाली, और ये जहाँ से हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ अलाउ नहीं है, इस जगह पे ये जो हमने छोड़नी है यहाँ पे हम कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, यानी कोई कमरा नहीं बना सकते। तो जहाँ से हम अपना कमरा बना रहे हैं ये हमारी बिल्डिंग लाइन होगी, और ये हमारी प्रॉपर्टी लाइन है जो ओवरऑल हमारा एरिया है। तो ये टर्म्स आगे यूज़ होती हैं। सो ये अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो बिल्डिंग लाइन कौन सी लाइन है, वो लाइन जिसके बाहर आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, जिससे बाहर आप प्रोजेक्शन भी नहीं निकाल सकते। तो और प्रॉपर्टी लाइन जो है ये है बाउंड्री वॉल ऑफ द प्लॉट, तो ये हमारी बाउंड्री वॉल है। इसके बाद हमारे पास बिल्डिंग वर्क्स, हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं कि बिल्डिंग वर्क्स जब आप साइट पे जाते हैं वहाँ तामीर हो रही है, कुछ गिराई जा रही है, बनाई जा रही है, एडिशन ऑल्ट्रेशन, ये सारा बिल्डिंग वर्क होता है। अक्सर आप देख लेते हैं सरिया नज़र आ रहा होता है बिल्डिंग के अंदर, वर्क हो रहा होता है, मजदूर होते हैं। ये कार्डिनल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कार्डिनल पॉइंट डायरेक्शंस को कहते हैं, डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये बिल्डिंग प्लान के ऊपर लाजमी हम इसको मार्क करते हैं, बता देते हैं। ज़्यादातर हम नॉर्थ के बारे में ज़रूर बताते हैं, क्योंकि जब नॉर्थ के बारे में बता देते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसका मशरिक मगरिब किस तरफ होगा, और क्वार्टर्स भी इसकी देखी थी कि क्यों हमारे लिए ये जो है वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है या विंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमारे पास जो है चैम्फर है, इसको ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि शार्प एज हम जब कट करते हैं विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। कमर्शियल बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें कमर्शियल बिल्डिंग में, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल। देन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो अथॉरिटी जो प्लान आपका अप्रूव करती है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट होता है जब आप अपना घर का काम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अथॉरिटी को जाके, फ़र्ज करें आपका घर बन रहा था और आपने अपने घर कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल हो गई है कंस्ट्रक्शन, आप अथॉरिटी को जाके प्लान जमा कराते हैं, कंप्लीशन प्लान, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, फर्स्ट फ्लोर का भी मिल जाता है। बाज़ दफ़ा आप पहला फ्लोर बना के तो आपको फर्स्ट फ्लोर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देते हैं। इस सर्टिफिकेट इशू करने से पहले एक साइट उनके अथॉरिटी का एक ऑफिसर आके वेरीफाई करता है, या बिल्डिंग इंस्पेक्टर, के वाकई क्या इसने जो घर बनाया है वो जो इसने प्लान मंजूर करवाया था उसके मुताबिक बनाया है। ये जगह हम छोड़ रहे थे कि हमने फ्रंट से छोड़नी है, वो इन छोड़ी हुई हैं, अगर वो चीज़ें इंश्योर हों तो हमें एक स्टोरी का भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे सकता है। जब एक का मिल जाता है तो फिर हम अपना दूसरा मंजिल बनाना शुरू कर देते हैं, जब दूसरी का मिल जाए तो अगर अलाउड है तो हम तीसरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये कॉन्ट्रैक्टर, इसके बाद आ गया कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी पर्सन जिसको बिल्डर हायर करता है कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए। और इसके बाद हमारे पास कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर बना रहा होता है और कंसल्टेंट जो है उसका काम होता है कि वो जो बिल्डर डिज़ाइन बना रहा है वो कंसल्टेंट इंश्योर करे कि वो डिज़ाइन बिल्कुल उसी तरह ही बना रहा है जिस तरह उसको मंजूरी मिली हुई है, ताकि वो कोई वायलेशन ना कर रहा हो। कन्वर्टेड प्लॉट, कुछ प्लॉट्स को हम बाज़ वक़्त कमर्शियल यूज़ में कन्वर्ट करते हैं, और कॉर्नर प्लॉट हमने देखा था जिसको 2 या उससे ज़्यादा इंटरसेक्टिंग स्ट्रीट्स लग रही हों। ये हमारे पास बड़े 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डेड लोड एंड लाइव लोड। डेड लोड वो लोड हैं जब आप घर बनाते हैं तो छत का जो वज़न होता है, आपके फ्लोर्स का, ये सारी चीज़ें, यानी जब भी घर बनाएंगे ये लाजमी ही इसके अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दीवारों का वज़न होगा, फ्लोर, यानी इसको आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, ये हर घर के अंदर एक परमानेंट है, तो ये डेड है। लाइव मतलब फ़र्क करें, एक घर है, अब डेड लोड तो दोनों घरों का सेम है, लेकिन लाइव में एक घर के अंदर
पांच अफराद हैं एक घर के अंदर, 15 अफराद हैं, तो 15 अफराद वाले घर का लाइव लोड जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस हवाले से जो है लाइव और डेड लोड को हम क्लासीफाई कर लेते हैं। और इसके साथ हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है अथॉरिटीज़ के, आप जब पढ़ेंगे लाज, एस्टेब्लिश बिल्ट अप एरिया, वो एरिया अनप्लान्ड एरियाज़ होते हैं, प्लान्ड भी नहीं होते, जो कम अज़ कम 25 साल से जहाँ बिल्डिंगें बनी हुई हों। तो अक्सर आप ये जिस तरह लाहौर के केस में, अगर आप वॉल सिटी कभी आए हों, आपने कोई टूर पे आए हों किसी और शहर से, तो तकरीबन हर शहर में बहुत पुराने एरियाज़ मौजूद होते हैं जो कई सालों से एग्जिस्ट करते हैं। और इसके बाद हमारे पास फार्म हाउस की हम बात करते हैं, तो तकरीबन ये चार कनाल या उससे ज़्यादा का जब हो तो फार्म हाउस है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हम उसकी हाइट की बात, ये पैरापेट वॉल आ गई जिसके भी हम बात कर रहे थे, सेक्शन प्लान के कितने अर्से के लिए अप्रूव हो रहा है, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट क्या होता है जिसको अथॉरिटी मिल जाती है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर से, राइट ऑफ वे, दो रोड की दरमियान का डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और ये इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास दो प्रॉपर्टी लाइन के दरमियान वो रोड है। और ये हमारे पास सेटबैक है जो हम इंश्योर करते हैं जब प्लाट बनाएं, तो रोड से हम कुछ फासला छोड़ते हैं ताकि अगर बाद में वो रोड वाइडनिंग करनी पड़ जाए तो अक्सर वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ टर्म्स थी जो हमने यहाँ पर यूज़ की हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि कौन कौन सी जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हम कभी बिल्डिंग प्लान्स की बात कर रहे हैं। बिल्डिंग का मतलब अब कमर्शियल बिल्डिंग भी हो सकता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी हो सकता है, ओवरऑल हम बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। तो ये टर्म अगर हमें पता होंगी, याद होंगी, तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी आगे जा के अगर कभी हम अपना प्लान मंजूर करवाने जा रहे हैं या इवन के प्लान बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए इसके अंदर। तो इनफैक्ट इन टर्म्स के साथ जब हमारी वेल फेमिलिटी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा इन टर्म्स के बारे में, तो प्लान मेकिंग हमारी आसान हो जाएगी।